हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं जो हिंदी का तीसरा लेसन है 10वीं कक्षा का, वाह रे हमदर्द। यानी इसका मतलब क्या होता है? जो आपके मुसीबत में कोई आपकी मदद करता है या आपको कोई किसी प्रकार की परेशानी है उसमें जो आपका साथ देता है उसे ही हमदर्द कहा जाता है। यानी मुसीबत में साथ देने वाले को हमदर्द कहा जाता है। इसी में जो हमारे लेखक है घनश्याम अग्रवाल जी, उन्होंने ऐसे ही एक हमदर्द का इसमें वर्णन किया है। तो हम इसके बारे में पढ़ने से पहले हम उनका, जो घनश्याम अग्रवाल जी है, उनका परिचय पढ़ लेते हैं। उनका परिचय इस प्रकार है। उनका जन्म 1942 अकोला यानी महाराष्ट्र में ही हुआ था। और उनका परिचय इस प्रकार है। घनश्याम अग्रवाल जी की रुचि अध्ययन काल से ही लेखन में विकसित हुई। अपने आसपास की प्रत्येक स्थिति या घटना में हास्य ढूंढकर इसे धारदार व्यंग में ढालना आपके लेखन की विशेषता है। यानी वो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि वो एक ऐसे लेखक थे कि वो आसपास जो चीजें होती थी उसको व्यंग में, यानी किस तरह लोगों को समझा सके, किस तरह उन्हें मनोरंजक तरीके से लोगों के सामने प्रस्तुत कर सके, इसके बारे में वे लिखा करते थे। आप अखिल भारतीय मंचों पर हास्य व्यंग कवि के रूप में लोकप्रिय हैं। और उनकी प्रमुख कृतियां इस प्रकार है। हंसी घर के आईने, आजादी की धूम, आई एम सॉरी और अपने अपने सपने, ये कुछ जो हास्य कविता हो गई, लघु कथा हो गई या फिर हास्य व्यंग हो गया, इसी प्रकार की कुछ कुछ ऐसी ही चीजें वह लिखा करते थे और लोगों के सामने प्रस्तुत किया करते थे। अब हम जो उनका हमदर्द वाला पार्ट है उसमें उन्होंने किसे हमदर्द बताया और किसके बारे में वर्णन किया है, हम उसे अच्छे से अध्ययन करेंगे और हम जानेंगे कि इसमें उन्होंने क्या सीख देने की कोशिश की गई है। उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था तो सामने एक कार आ रही थी। आपको पहले समझना होगा पूंजीवादी क्या होता है और समाजवादी क्या होता है। पूंजीवादी का अर्थ होता है यानी पैसों के ऊपर, और समाजवादी का अर्थ होता है यानी जो समाज में जो चीज, जो अर्थव्यवस्था चल रही है उसके बारे में जो भाषण होता है उसे ही पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण कहा जाता है। वैसे ही जो लेखक है वह एक भाषण से ऐसे ही सुनकर आ रहे थे। भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश आया या कार को गुस्सा अधिक आया, मैं ये निश्चित रूप से नहीं कह सकता। किंतु जो मेरी साइकिल है वह कार पर करीब आए तो विरोधियों की तरह एक दूसरे को घृणा की नजरों से देखते हुए आपस में जा भिड़े। यानी जब वो लेखक थे वो भाषण सुन के जब घर लौट रहे थे तभी सामने से एक कार को आती हुई देख उनकी जो साइकिल है और जो कार है दोनों के बीच टक्कर हो गई। मैंने खाम खाम पूंजीवादी और समाजवाद के झगड़े में टांग अड़ाई, फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई। दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है, यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े। यानी जब वो साइकिल टकराने के बाद जब वो गिर गए लेखक, तब उन्हें बचाने के लिए बहुत से लोग उनके सामने आए और उनका हाथ पकड़ा और उनकी मदद करने की कोशिश की। इसी को लेकर लेखक कहते हैं कि अभी भी जो हमारा देश है उसमें इंसानियत जिंदा है और लोग एक दूसरे के बारे में सोचते हैं। आगे लिखा है, आंख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। इर्द गिर्द कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे। आंख खुलते ही उनके चेहरों पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। मैंने कराहते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। आपका एक्सीडेंट हो गया था, सिर पे पैर का फ्रैक्चर हुआ है। अब घबराने की कोई बात नहीं है। एक चेहरा इतनी तेजी से जवाब देता है, लगता है मेरे होश आने का वह इसीलिए रुका है। अब मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूँ। मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी और दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर अटक रही थी। यानी जो लेखक का एक्सीडेंट हुआ तो उसमें जो उनकी एक टांग थी वह एक टांग फ्रैक्चर हो गई थी, जिस कारण जो अस्पताल में डॉक्टर थे उन्होंने उसे सहारे के सहारे उसे एक स्टैंड के ऊपर लटका रखा था ताकि उस पैर पे कोई प्रेशर ना आए और उन्हें दर्द ना हो। मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ, टांग का टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं कांप उठा। अस्पताल वैसे ही एक खतरनाक शब्द है, फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो समझो आत्मा से परमात्मा से मिलन होने का समय आ गया है। अब मुझे यूं लग रहा है कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना है। यानी ऐसा कह सकते हैं कि आजकल जो लोग हैं
वो अस्पताल का नाम सुनते ही एकदम घबरा से जाते हैं। उन्हें लगता है कि अस्पताल में जाना ही सबसे बड़ी मुसीबत है। और जो जैसे ही वो लेखक थे, उनको लगता था कि जो मेरी दुर्घटना है वो अस्पताल जाने से अच्छी है, परंतु मैं अस्पताल जा रहा हूँ वो एक बड़ी दुर्घटना समान है। टांग से ज्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताते मुझसे मिलने आए। ये मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं कि कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज का आराम करना हराम हो जाता है। जिसकी मरीज को खास जरूरत होती है, जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है कि आप मरीज को एक निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ दे सकते हैं, किंतु प्राइवेट वार्ड ये तो एक खुला आमंत्रण है। हे मेरे परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों, आओ जब भी चाहो आओ, चाहे जितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं है। अपने सारे बदले लेने का यही सही वक्त है। बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी। मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा मेरी दूसरी टांग भी टूट गई है। यानी इसमें जो लेखक है, उनकी टांग टूटने के बाद वो अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं। फिर आपने देखा ही होगा कि ऐसे बहुत से लोग होते हैं कि आपके स्वस्थ होने पर आपसे कोई हालचाल पूछने नहीं आते, परंतु आप पे कोई मुसीबत आती है तो अपनी हमदर्दी जताने आ जाते हैं। वैसे ही उनके बहुत से मित्र थे जो उनकी खबर सुनते ही वो लोग अस्पताल में आने लगे और उनसे मिलना जुलना लगातार होने लगा। और ऊपर से वो कहते हैं कि ये तो एक प्राइवेट वार्ड है, यानी कोई भी यहाँ पे आ सकता है और कितनी भी देर रह सकता है और अपनी हमदर्दी जता सकता है। इसीलिए उस बात से वो बहुत ही चिंतित थे। मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर मैं कभी उनसे मिलने गया था। माने वह इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे, अब वे अपना एहसान चुकाए। इनकी हमदर्दी से ये बात खास छिपी रहती है कि देख बेटा, वक्त सबका आता है। और जो लेखक थे वो भी ये भी समझाना चाहते थे कि अगर आप किसी और की मुसीबत में अगर आप गए हैं, तो वैसे लोग आपके पास और बहुत जल्दी आते हैं कि आपने मेरे मुश्किल समय में आपने मेरे पास आए, मैं भी आपके पास मुश्किल समय में आया हूँ, ऐसा वो जताने के लिए तुरंत आ जाते हैं। दर्द के मारे एक तो मरीज वैसे ही नींद नहीं आती, यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले जगा देते हैं, खासकर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं। इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, ये सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं। ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आए मैं आंख नहीं खोलूंगा, चुपचाप पड़ा रहूंगा। ऑफिस के बड़े बाबू आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय सोचने लगे कि यदि मैंने उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि वे मिलने आए थे। अतः उन्होंने मुझे धीरे धीरे से हिलाना शुरू किया। फिर भी जब आंखें नहीं खुली तो उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से में जोर से दबाया। मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आंख खोली तो वे मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है? अभी इसमें आप ये सुनकर ही आपको अंदाजा लग गया होगा कि कुछ ऐसे लोग भी है, सिर्फ आते हैं और औपचारिकता निभाते हैं और चले जाते हैं। वैसे ही जो लेखक थे, उनकी जब टांग टूटी थी, वैसे ही उनके जो बॉस थे, वो यानी जो ऑफिस के बड़े बाबू थे, वो भी उनसे मिलने इसी प्रकार आए थे। वो आने के बाद उन्हें लगा कि यदि मैं बिना मिले इनसे चले जाऊंगा तो इन्हें लगेगा कि मैं इनसे मिलने आया ही नहीं, और उन्हें ऐसा लगेगा कि मुझे इनकी कोई चिंता नहीं है। तभी जो बड़े बाबू थे, उन्होंने उन्हें अपने आने का संकेत देने के लिए उन्हें थोड़ा हिलाया, परंतु फिर भी जो लेखक थे वो अपना मन बना चुके थे कि आज के दिन वो किसी से नहीं मिलेंगे। फिर भी जो बड़े बाबू थे वो अपनी अड़ पे थे कि मैं इनसे अपना चेहरा दिखा कर ही जाऊंगा और इनसे मिलकर ही जाऊंगा। इसीलिए उन्होंने जो टूटी हुई टांग थी उसे जोर से दबाया, और टूटी हुई टांग को जोर से दबाते ही जो लेखक थे वो जोर से चीखने लगे। तभी उनकी आंख खुली और जो बड़े बाबू थे वो कहने लगे, देखो मैं आपके से मिलने आया हूँ और आप कहिए कि आपका दर्द कैसे है। मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत में आते हैं। उस दिन जब सोना भाई अपने चार बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, ये देखो चाचा जी। उनका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता है, ये देखो बंदर। अभी इसमें एक ऐसा व्यंग किया गया है कि जो अपने रिश्तेदार होते हैं या फिर जान पहचान वाले होते हैं, उनमें कहा गया है कि ये लोग ऐसे समय पे आते हैं जब उन्हें पूरी तरह से फुर्सत होती है, कोई काम नहीं होता, तभी ये लोग हमारी जो हमें देखने आते हैं या हमारा हाल जानने आते हैं। वैसे ही जो उनकी एक रिश्तेदार थी सोनाबाई, वो अपने चार बच्चों के साथ उनके पास आई और उनका हाल पूछने के लिए उन्होंने कहा कि ये देखो तुम्हारे चाचा जी
ऐसा ये सब देखने की बजाय वो खेलने लगे। एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरे मेज पर सोनाबाई की छोटी लड़का दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। रप रप की आवाज से मेरा ध्यान बटाया, क्या देखना हूँ, सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही रेती की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। मैं इससे पहले कि उन्हें मना करता, सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी। सोनाबाई के एक जो पतला लड़की को घूरा, फिर हंसते हुए बोली, भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है, दवा गई समझो बीमारी गई। इसके 2 घंटे बाद सोनाबाई वहां से चली गई, यह कहकर कि फिर आऊंगी। मैं भीतर तक कांप गया। यानी कुछ ऐसे रिश्तेदार होते हैं कि आपके उनके आने से आपको और ज्यादा भय होने लगता है, आपको और ज्यादा डर लगने लगता है। वैसे ही जो लेखक की रिश्तेदार थी सोनाबाई, जो अपने बच्चों के साथ आई थी, उन्हें भी ऐसा ही लग रहा था कि ये वापस नहीं आनी चाहिए। और ये बात सुनकर कि वो वापस आने का बात कहकर गई है, ये सुनकर और वह घबरा गए। कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद कर देते हैं, विशेषकर वे लोग जो रिश्तेदारों को दूसरे गांवों से मिलने आते हैं। ऐसे में एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी। उसमें से निकलकर एक आदमी आते ही मेरी छाती पर सिर रखकर औंधा पड़ रोने लगा और कहने लगा, हाय तुम्हें क्या हो गया, कार वाले का सत्यानाश हो। मैंने दिल दिल में कहा कि मुझे तो हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता है, तुझे क्या हुआ। वह थोड़ी देर मेरी छाती में मुंह गड़ाए रोता रहा, फिर रोना कुछ कम हुआ। उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई और जब उसने आंख मिलाई तो एकदम चुप हो गया। फिर धीरे से हंसते हुए बोला, माफ करना, मैं गलत कमरे में आ गया था। आजकल लोग ठीक से बताते भी नहीं हैं। गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है। हे, अच्छा भाई माफ करना, कहकर वह चला गया। अब वही रोने की आवाज मुझे पड़ोस के कमरे से सुनाई पड़ी। मुझे उस आदमी के अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, क्योंकि इस प्रकार रोता देख पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे दे दिए थे। अभी इसमें एक मजेदार किस्सा क्या बताया गया है कि जो ऐसे बहुत से रिश्तेदार होते हैं जो बाहर रहते हैं या बाहर गांव से आते हैं मिलने के लिए, अपना दुख दर्द बांटने के लिए वो आते हैं। वैसे ही अचानक उनके दरवाजे के सामने ऐसे ही एक टैक्सी आती है, उसमें से एक आदमी आता है और बिना कुछ बोले ही उनके छाती पर जाकर जोर जोर से रोने लगता है। तो जो उनकी पत्नी होती है उन्हें लगता है कि ये बहुत अच्छे रिश्तेदार है, सगे रिश्तेदार है, तो वो उनके टैक्सी के पैसे दे देती है। परंतु जब वो आदमी का रोना थोड़ा कम होता है और वो आदमी उनके चेहरे को देखता है, तब उसे एहसास होता है कि ये गलत आदमी है। और जो वो जिस आदमी से मिलने आया है वो बगल के कमरे में है और वो वहां पे भी जाकर सेम वैसे ही रोने लगता है। हमदर्दी जताने वालों में वे लोग जरूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। हमारे शहर में एक कवि है श्री लबकानंद, उनकी बेतुकी कविताओं से सारा शहर परेशान है। मैं अक्सर उन्हें दूर से ही देखते ही भाग खड़ा होता हूँ। जानता हूँ जब भी मिलेंगे 10-20 कविताएं पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे। एक दिन बगल में झोला दबाए आ पहुंचे, आते ही कहने लगे, मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलन में अति व्यस्त था। सच कहता हूँ, कसम से मैं आपके बारे में ही सोचता रहा, रात भर मुझे नींद नहीं आई। और हाँ, रात को इसी संदर्भ में मैं ये कविता बनाई। यह कह झोले में डायरी निकाली और लगे सुनाने। और ऐसे ही एक प्रकार के जो कवि थे उनके जो मित्र थे, और ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनसे हम कभी मिलना नहीं चाहते, या कोई ऐसे लोग होते हैं जो हमें बहुत पकाते हैं, जो हमें बहुत ही बोरिंग लगते हैं। वैसे ही एक जो कवि थे वो भी बहुत इसी प्रकार के थे। वो लोगों से जब भी मिलते थे अपनी कविताएं उन्हें वो बिना बोले ही सुनाने लगते थे। वैसे ये कवि जो लेखक है उनके पास आए और अपनी डायरी निकाली और उसमें से अपनी अपनी जो कविताएं लिखी थी वो उन्हें सुनाने लगे। उनकी कविता इस प्रकार थी कि असम की राजधानी है शिलोंग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग, मोटर वाले तेरी ही साइड थी रॉन्ग। कविता सुनाकर वे मुझे ऐसे देख रहे थे मानो उनकी एक आंख पूछ रही हो, कहो कविता कैसी है, और दूसरी आंख पूछ रही हो, बोल बेटा अब भी मुझसे भागेगा। मैंने जल्दी से चाय पिलाई और फिर कविता सुनने का वादा कर बड़ी मुश्किल से उन्हें विदा कर दिया। यानी ऐसे बहुत से लोग होते हैं कि बिना बुलाए आ जाते हैं, या फिर आप जिनसे कभी मिलना नहीं चाहते वो भी ऐसे समय पर आ जाते हैं और आपको परेशान करते हैं। अब मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, अगर तुझे मेरी दूसरी टांग तोड़नी है तो जरूर तोड़ना, मगर कृपा कर उस जगह तोड़ना जहाँ मेरा कोई परिचित ना हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले। यानी जो लोग हमदर्दी जताने का नाटक करते हैं वो असल में बहुत ही बेकार होते हैं, यही कवि कहना चाहते हैं।